हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बिट्टू की सोनी। तो हमारा डे वन ख़त्म, अब डे टू स्टार्ट हो गया। तो हम लोग चल पड़े हैं हैवलॉक आइलैंड की तरफ, और हम लोग निकल चुके हैं अपना वो फेरी पकड़ने के लिए फोनिक्स पे, जेटी से जो अंडमान का, जहाँ से जितने भी गवर्नमेंट फेरीज जाते हैं हैवलॉक आइलैंड के लिए। तो हम लोग सुबह सुबह 11 बजे पहुँच गए थे, 11:30 बजे की हमारी फेरी थी, और उससे हम लोग 2 घंटे का जर्नी के बाद हम लोग सीधा पहुँच जाते हैं हैवलॉक आइलैंड। एंट्री करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट, आईडी, लगेज सब वेरीफाई हो गया, और हमारा जो फेरी है वो भी टाइम पे स्टार्ट होने वाला था, तो हम लोग को परमिशन मिल गया अंदर जाने के लिए। और हम लोग चल पड़े अपने स्पेसिफाइड फेरी में, वहाँ से हम लोग सीधा पहुँचेंगे हैवलॉक लगभग 2 घंटे जर्नी के बाद। तो आप सामने देख सकते हैं हर एक फेरी का एक स्पेसिफिक नाम मेंशन किया हुआ रहता है, और हमारा जो फेरी था जिससे हम लोग हैवलॉक जा रहे थे उसका नाम था रंगत। तो आइए आपको आगे जाके उसका व्यू दिखाते हैं। अंदर फेरी बैठने के बाद कुछ इस टाइप का नज़ारा देखने को मिलेगा ग्लास से, एकदम ऐसा एकदम समुद्रों के बीचों बीच में आप बैठे हो, और काफ़ी सुंदर नज़ारा। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि हम लोग पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से दूर हो जा रहे हैं, और हमारा सफ़र हैवलॉक की तरफ स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा लगा, एकदम समुद्रों के बीचों बीच फेरी चल रही थी, और काफ़ी अद्भुत नज़ारा था। तो आइए सफ़र इन्जॉय किए, उसके कुछ देर के बाद हम लोग ऊपर चले गए फेरी के ऊपर, और वहाँ से भी एक अद्भुत व्यू आप देख सकते हैं, वहाँ से एक और फेरी जा रही है। तो ये सारे हैवलॉक, नील, कहीं भी जा सकते हैं ये। तो काफ़ी अद्भुत नज़ारा था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, मतलब एक बहुत मस्त आ रहा था। आप ये वीडियो में देख के अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितना मज़ा आ रहा होगा वहाँ पे खड़े होके व्यू देखने में, एकदम समुद्र लहरों के बीच में फेरी चलते हुए, और आसपास दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ऑलमोस्ट 2.25 घंटे सफ़र हो जाने के बाद हम लोग उतर जाते हैं अपने डेस्टिनेशन हैवलॉक आइलैंड में, हैवलॉक जेटी में, जहाँ से हम लोग अपने होटल में जाएंगे। और यह देख सकते हैं क्राउड, तो काफ़ी क्राउड था उस टाइम पे, जो कि हम लोग मार्च में गए थे, एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना क्राउड होगा, लेकिन फिर भी वो अंडमान ऐसा प्लेस है कि यहाँ पे हर तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे, बूढ़े, जवान, कपल्स, न्यूली मैरिड वाले। तो काफ़ी अच्छा लगा हैवलॉक पहुँच के। अब हम लोग वहाँ से रूम जाएँगे, फ्रेशअप होके हम लोग पहुँचेंगे सीधा राधानगर बीच। तो चलिए तब तक आपको ये हैवलॉक जेटी का व्यू दिखा देते हैं कि यहाँ से उतरने के बाद कैसे हम लोग बाहर जाएंगे।
हम लोग जेटी उतरने के बाद यहीं से एग्जिट का रास्ता जहाँ से हम लोग इस आइलैंड से बाहर निकल के अपने कैब से होते होटल में जाएंगे, तो ये वहाँ का व्यू है। और आप देख सकते हैं बाहर से भी आपको कितना अच्छा व्यू अच्छा लग रहा है, आसपास नज़ारा कितना सुंदर अद्भुत है और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में। होटल पहुंच के स्टेशन में पोके लंच करके हम लोग निकल पड़े थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जिसका नाम था राधा नगर बीच। बहुत ही फेमस और इंडिया का सबसे फेमस बीच है और इसको बोला जाता है बीच नंबर 7, क्योंकि ये वन ऑफ द 7th लार्जेस्ट बीच है इन एशिया में और इंडिया में तो काफ़ी फेमस बीच है। तो अगर आप हैवलॉक जा रहे हैं अंडमान तो राधा नगर बीच तो एकदम मतलब कंपलसरी मस्ट है। यहाँ पे आपको सनसेट कॉम्प्लीमेंट्री फ़ोटोशूट भी होता है, वहाँ पे आप अपना मस्त मस्त फ़ोटो खिंचा सकते हैं फोटोग्राफर लेके। तो ये है एंट्री राधा नगर बीच के लिए। बहुत ही सुंदर और अद्भुत बीच है, एकदम क्लीन वाटर, वाइट सैंड, एकदम काफ़ी साफ सुथरा बीच दिखा जाएगा, तभी इसको वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन इंडिया कहा जाता है और स्कॉटेड नाम है बीच नंबर 7। तो चलिए अंदर बीच की तरफ चलते हैं और आपको राधा नगर बीच का व्यू दिखाते हैं। तो आइए, आप सबका स्वागत है राधा नगर बीच में, अब ब्लू सर्टिफाइड बीच। और ये साइट से रास्ता है पोस्ट है ट्रैकिंग करते हुए जहाँ से वो फ़ोटोशूट होता है, और आपको सामने एक भैया दिख रहे होंगे तो वो हमारे फ़ोटोग्राफर थे जो हम लोगों का बोल सकते हो कि बीच पे फ़ोटोशूट होगा ये राधा नगर बीच पे। तो काफ़ी अद्भुत था, ऐसे लगे ट्रैकिंग करते हुए हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि झाड़ियों पेड़ों के बीच से निकलते हुए, और जैसे ही आप राधा नगर बीच में पहुंचेंगे मतलब काफ़ी सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। और कहा जाए कि हाँ सच में ये बीच क्यों इतना फेमस है, ये बीच को क्यों वन ऑफ द बेस्ट बीच इन इंडिया कहा जाता है, क्यों इस बीच को 7th लार्जेस्ट एशिया का अवार्ड मिला है, तो आप देख ही सकते हैं कि ये सामने वाइट सैंड, ब्लू वाटर, आगे तो क्लीन क्रिस्टल और सनसेट का व्यू भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना पहले अपना फ़ोटोशूट करवा लेते हैं बीच में, फिर अपना बीच में मस्त इन्जॉय करेंगे। तो चलिए हम लोग पहुँच गए हैं राधा नगर बीच, इन्जॉय करते हैं। और राधा नगर बीच का टाइमिंग भी काफ़ी सही है, सुबह 6 से शाम के 6, क्योंकि सनसेट हो जाने के बाद आपको पानी में अलाउ नहीं करेंगे। और ये मैक्सिमम 12 किलोमीटर दूर है हैवलॉक जेटी से जहाँ पे फेरी उतरे थे, और अगर सिटी के बात करेंगे होटल आसपास तो लगभग वहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे बहुत तो करवाते हैं फ़ोटोशूट, सोचे क्यों ना हम लोग अंडमान गए हैं और हैवलॉक राधा नगर बीच, तो एक स्पेशल मोमेंट क्यों ना क्रिएट किया जाए। तो हमारे अपने टूरिस्ट पैकेज वालों में ही कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करवा लिया था कि चलो राधा नगर बीच पे फ़ोटोशूट हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना अद्भुत नज़ारा, कितना सुंदर व्यू, कितना सुंदर बीच, और
जहाँ पे आप स्विमिंग विमिंग नहा सब कुछ कर सकते हैं, शाम को सनसेट का व्यू का मजा ले सकते हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया इस बीच में। अगर आप हैवलॉक जा रहे तो राधानगर बीच तो घूमना ज़रूरी है, और इंडिया का सबसे इतना अच्छा सुंदर बीच है तो क्यों कहा जाता है आपको पता चलेगा वहाँ जाने के बाद। तो चलिए इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, और हम लोग भी सनसेट होने वाला थोड़ी देर में हम लोग भी मस्ती किए, काफ़ी फ़ोटो वोटो खिंचाए, वीडियो बनाया, और बहुत मज़ा आया इस बीच में। अब बीच में घूमने गए हैं तो कुछ ट्रांजिशन वीडियो तो बनेगा ही, तो हमने कुछ ऐसा वीडियो बनाया सोनी के साथ, तो काफ़ी अच्छा व्यू भी ना, इसका एक शॉर्ट्स वीडियो भी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, मतलब 2 घंटा ट्रैवल करके तो थकान था, लेकिन बीच आने के बाद एकदम काफ़ी मस्त चिल फील हुआ, तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। 3 घंटा 2.5 घंटा आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो, अब 3-4 बजे पहुँचो और आराम से जब तक सनसेट नहीं होता वहाँ बैठ के मस्त पानी में इंजॉय करो, नहाओ, फ़ोटो शूट जो करना करो। तो ये करते करते हमारा दिन का सफ़र ख़त्म हो गया, और ये कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो ड्यूरिंग द डे हमने क्लिक किए राधानगर बीच पहुँचने से पहले हैवलॉक आइलैंड पहुँचते टाइम। तो हमारा दिन का सफ़र ख़त्म, और फिर हम लोग तीसरा दिन की शुरुआत करेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ। और ये रहा कुछ कपल फ़ोटोशूट जो हमने राधानगर बीच में करवाया फोटोग्राफर से, काफ़ी अच्छा था, सनसेट भी काफ़ी मस्त देखने को मिला। तो चलिए फिर आज का सफ़र ख़त्म, थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।